रामपुर क्षेत्र के जाने माने युवा कर्मठ और आज राजनीतिक पहचान बन चुके रामपुर की ज्वाला फैसल साहब को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने विचार रखें। दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, मुझको डुबोया और मैं उभरता चला गया। आज इस मंथली मीटिंग कार्यक्रम के अंदर दिल्ली से हमारे बीच पहुंचे हैं 5 बार के विधायक आदरणीय प्रहलाद सिंह साहनी साहब और तमाम ऐसे मेरे साथी हैं जिनका भी नाम छूट रहा है, लेकिन मैं सभी अपने साथियों का, यहाँ बैठी हुई बहनों का और तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लगातार मेरे कंधे से कंधा मिलाकर आम आदमी पार्टी का परचम इस रामपुर के अंदर बुलंद कर रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, वैसे तो हमारी ये मंथली मीटिंग होती है, इस मीटिंग के अंदर हम लोग पूरे महीने की रूपरेखा तय करते हैं कि हमें किन मुद्दों को इस महीने के अंदर और आने वाले महीने के अंदर उठाना है और किस तरीके से जनता के बीच में जाकर उनकी जायज समस्याओं को उठाकर उनके मसलों का हल कराना है। लेकिन आज हमारे बीच में विधायक साहब पहुंचे हैं, ये रामपुर के प्ररक्षक भी हैं और आम आदमी पार्टी के एक बहुत मजबूत और एक बहुत ही जिम्मेदार विधायक हैं, अरविंद केजरीवाल साहब के बहुत करीबी हैं। तो ये यहाँ जो भी देखेंगे उसकी पूरी रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल साहब को जाकर सौंपेंगे। तो सबसे पहली चीज ये है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव बिल्कुल सर पर है, तो हमारी पार्टी ने ये तय किया है कि इस पंचायत चुनाव से उत्तर प्रदेश के अंदर शुरुआत की जाएगी और उसके बाद 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा और उस तरीके से बदलाव किया जाएगा जिस तरीके से 2013 में दिल्ली के लोगों ने किया था। आज हर व्यक्ति चाहता है कि हमारी बिजली फ्री होना चाहिए, आज हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे बच्चे ऐसे स्कूलों के अंदर पढ़े जहां पे एसी लगे हो, स्विमिंग पूल बने हो और कंप्यूटर लगे हो। आज उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे यहाँ भी ऐसे अस्पताल हो कि हमारा इलाज यहीं पर हो जाए, हमें दिल्ली या कहीं और जाना ना पड़े। आज उत्तर प्रदेश के लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार 2500 रुपए पेंशन देती है, उसी तरीके से आज उत्तर प्रदेश के लोगों को भी 500 रुपए की जगह 2500 रुपए की पेंशन दी जाए। आज उत्तर प्रदेश की महिलाएं भी चाहती हैं कि वो बसों के अंदर फ्री सफर करें जिस तरीके से दिल्ली के अंदर महिलाएं पूरी दिल्ली में फ्री सफर करती हैं। आज उत्तर प्रदेश के लोग भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी 200 मीटर पर कैमरे लगाए जाए ताकि एक अच्छा वातावरण उत्तर प्रदेश की सड़कों पर कायम हो, जिस तरीके से आज लूट और चोरी, डकैती, महिलाओं के साथ अत्याचार की खबरें आज उत्तर प्रदेश की जगह जगह सड़कों से, शहरों से आती है, उससे हम सब लोगों के चेहरे मायूसी में हैं, हम सब लोग तकलीफ में हैं। नए साल का पहला दिन है, तमाम भाजपाई नए साल बहुत खुशी के साथ मना रहे हैं, लेकिन आज इस हिंदुस्तान के अंदर हर चेहरे के ऊपर मायूसी है, हर आदमी तकलीफ में है, हर चेहरे पर यह सवाल है कि उसके बच्चों को पढ़ाई कैसे मिले, उसको राशन कार्ड कैसे बने, उसकी बिजली कैसे फ्री हो, उसको अस्पतालों में दवाइयां कैसे मिले, और किसान ये चाहते हैं कि उनकी मांगे कैसे पूरी हो। आज लगातार 1.5 महीना होने को जा रहा है और पूरे हिंदुस्तान के किसान सड़कों पर इस कड़कड़ाती ठंड में रातें गुजारने को मजबूर है, क्योंकि भाजपा सरकार ने जितना जुल्म सत्ता में आने के बाद उत्तर प्रदेश सहित पूरे हिंदुस्तान के लोगों पर किया है, उतना जुल्म दुनिया के किसी कोने में वहां की जनता के साथ नहीं हो रहा है। तो आज उत्तर प्रदेश के लोगों ने यह मन बना लिया है कि अब आम आदमी पार्टी के साथ उनको देना है
और आम आदमी पार्टी की सरकार 2022 में बनाना है और उसकी शुरुआत रामपुर से हो चुकी है। लगातार आम आदमी पार्टी का कारवां जनपद रामपुर के अंदर बढ़ रहा है। आज भी बहुत महत्वपूर्ण साथियों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है और भाजपा को छोड़कर महत्वपूर्ण पदों को त्याग कर आज आम आदमी पार्टी के अंदर इन जैसे लोग शामिल हुए हैं, इनका स्वागत होना चाहिए और इनका हौसला बुलंद होना चाहिए। तमाम हमारे साथी हैं जो दलित समाज से आते हैं, इन्होंने आम आदमी पार्टी के अंदर आस्था जताई है, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। आम आदमी पार्टी के लोगों के ऊपर लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर भी 2013 में इसी तरीके से न सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मजाक उड़ाया जाता था, बल्कि हमारी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल साहब कहीं निकलते थे तो उनका भी भाजपा के लोग, कांग्रेस के लोग मजाक उड़ाते थे। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल साहब की नीतियों ने और उनकी जनता के लिए समर्पित अपनी सोच ने उनको इतना मकबूल बना दिया है कि आज अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल की चर्चा न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर होती है। तो क्या आज उत्तर प्रदेश के लोग ये सारी सुविधाएं चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी की सरकार बने। आप लोग लगातार आम आदमी पार्टी का कारवां बढ़ा रहे हैं, आप सब लोग काबिले मुबारकबाद हैं। बहुत सारी मीटिंगों के अंदर मेरे साथियों का नाम लेने से रह जाता है, लेकिन मैं अदब के साथ सबसे माफी मांगता हूँ, छोटा हूँ और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आपको बदलाव करना है तो ये छोटी छोटी फोटो की राजनीति, नाम की राजनीति छोड़ना पड़ेगी और उस तरीके से लगना पड़ेगा जैसे आपके घर का कोई कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम के अंदर आप शाना बशाना मिलकर उस कार्यक्रम को सजाते हैं और कामयाब करते हैं। तो काबिले मुबारकबाद है आप सब लोग, यहाँ पे बैठी हुई मेरी माए, मेरी बहने, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी और खास तौर से हमारे आज के मुख्य अतिथि जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और सुबह कोहरे में ही रामपुर की तरफ कूच किया है। तो मैं बहुत लंबी बात ना करते हुए मैं सीधा अपने मुख्य अतिथि को बुलाऊंगा और मैं उनसे कहूंगा कि वो जिस तरीके से दिल्ली के अंदर लोगों के लिए काम कर रहे हैं, चांदनी चौक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और पूरी दिल्ली के अंदर एक खुशहाली का वातावरण बनाया है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के लोगों को क्या क्या मिल सकता है आपके नेतृत्व वाली सरकार में, वो आप खुद ही लोगों से बात करके बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद फैसल भाई, आपका मार्गदर्शन हमें इसी प्रकार मिलता रहेगा और हम लोग सदैव आपकी छाया में चलते रहेंगे।